थोड़ा जल रहे हम, चड्डी भी खराब हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम है, मजाक से हट के आज बहुत ज़्यादा काम है, करके आधे काम तो मेरे बिना होगा ही नहीं लगता है। कभी आज का व्लॉग है वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सकता है, और थोड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा आपको अच्छा लगे। काम तो होता रहेगा, मगर मैंने आपको लास्ट बार कहा था जब मैं पंजाब से आया था, जो लास्ट वाला व्लॉग था, मैंने उसमें कहा था कि पंजाब से आने के बाद मैं बहुत कुछ गंवा चुका हूँ, बहुत चीज़ बर्बाद कर चुका हूँ, तो उसके लिए मुझे एक चीज़ नहीं मिला था, वो एक चीज़ मतलब वो ख़राब हो चुका था, वो ये है, ये JBL का पॉट्स। तो इसका जो लेफ़्ट साइड का है ना, वो ख़राब हो चुका है और सिर्फ राइट साइड से सुनाई देता है, तो मेरे को अभी एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता था। तो इस ये जो समस्या है ये अभी आज शायद सॉल्व हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए। देखो अभी हम उठे नहीं, हमारा काम चालू हो गया, पहले चाय पत्ती जो कि ख़त्म हो, उसके बाद जो दूध है ये भी ख़त्म हो गया था, एक एक केक है हट यहाँ पे, जो कि एक केक है जिसको मैंने मजाक मजाक में ले लिया। जाने से पहले मेरे को आपसे एक बात कहना था कि मेरे को है बाल कटवाना। गर्म है, बालों का ऐसा है ना कि अगर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर इनको संभालना मुश्किल है। बाकी हमारे पास सस्ता वाला कैप है अपना, उसको लगा के काम चला लेंगे, पर फिर भी यार कटवा लेते हैं। क्या है ना, थोड़ा बालों से भी इरिटेशन हो रहा, पता नहीं क्यों, जब से थोड़ा बिजी होने लग गया हूँ, थोड़ा सा ना नहीं थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा इरिटेशन लगता है। बालों से प्यार है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बाल हमारे कीमती है, बस ऐसा है कि मतलब कभी कदार ऐसा थोड़ा ज़्यादा इरिटेशन में ना बाल मतलब नोच देने का मन करता है, तो आज कटवा देते हैं इसको भी। तो अभी पहुंच चुके हैं भैया के पास, पीछे भैया बैठे हुए हैं, और जो यहाँ के मेन भैया वो तो गायब ही रहते हैं हमेशा, जब भी मैं आता हूँ, जो भी करना है वो भैया के हाथ में है, कैसे बाल कटेगा, परेशान हो गए हम। भैया काट दोगे ना? चलो भाई, जो बालों का काम था वो एकदम हो चुका है, अब जड़ तक हवा जा रही है, अब हमको अच्छा लग रहा है थोड़ा अच्छा, क्योंकि ये जो थे ना बाल एकदम ऐसे थोड़ा वो हो चुके थे, अब अच्छा लग रहा है। और अभी जा रहे हैं कपड़ा लेने के लिए, हमारे लेने, हम कपड़ा वपड़ा नहीं लेते, हमारे खालू के लिए मतलब मौसा, उनके लिए कपड़े लेने आना है। उसके बाद नहाने के बाद एक और काम है, तो पहले वो कर लेते, उसके बाद आते फिर करते कुछ। फ़ोन मैं घर में भूल चुका था, और मैं वहाँ पहुँच चुका था, फिर मेरे को याद आया कि अरे मैंने फ़ोन तो भूल ही गया, तो मैं बोला करके कि ले लेते हैं और घर जाके आपको दिखाया जाएगा। बहुत ज़्यादा धूप है यार, थोड़ा फेस का एक्सप्रेशन बदल गया, वो तो माफ़ करना, ड्रेस वगैरह ला लिया हूँ, तो दिखाते हैं ड्रेस को आपको। एक टी शर्ट है फुल वाली ग्रे कलर की, ये एक चौकी, चड्डी नहीं है रुमाल है, और तो चौकी चौकी चड्डी भी दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है, नहीं भाई रुमाल है, देख लो, एक दो तीन, तीन का सेट है, रुमाल है। अब बच चुका है 1:30 हो रहा है, अब नहा लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी वो काम कर ले कि बाद में करें, तो अभी करें बाद में करें, अभी करें बाद में करें, अभी करें बाद में, अभी करें अभी करेंगे, तो वो जो पॉट्स वाला काम है वो अब भी करते, अब भी निकलते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर एक बार धूप में निकल जाओ तो मन करता है कि सब काम एक साथ करके आएंगे। एक और काम है, बोर्सी वाला काम है, वो शाम को चलते हैं, अभी फ़िलहाल वो जो पॉट्स है उसको दे देता हूँ, वो बनने के लिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आके डायरेक्ट नहाएंगे, फिर आपको बाल दिखाएंगे, ऐसे ऐसे दिखाएंगे।
हाँ ये तो बताना भूल गया था कि गोपाल को भी लेना पड़ेगा। गोपाल और मैं एक साथ पॉट्स बनवाने के लिए जा रहे हैं। कल ही मैंने पता किया था कि ये कहाँ पे बनेगा, तो हमको एक लोकेशन पता चल गई है, तो अभी वहाँ पे निकलता हूँ। उससे पहले गोपाल के घर मिलते हैं, अभी जा रहे हैं, उसी कॉल लगाता हूँ, कुछ आ जाऊँगा मैं। चलो अभी उसी घर निकलते हैं, चलो फिर चलो। कौन कौन लिफ्ट? 200 रुपये चलेगा? 300 रुपये सस्ता वाला चलेगा क्या? बाय। वो सी बर्बादी, कैसा था बर्बादी? बहुत बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है आपको आने के बाद? आने के बाद तुम्हें चेहरा से दिख रहा होगा कितना खुश हूँ मैं। बहुत ज्यादा। सो इसी बात में फिर हाथ मिला लो। अभी आपकी बारी है जनाब, अभी आप भी बचे हो। हाँ थोड़ा जल रहे हमारी कटिंग से। क्यों भाई, एकदम अच्छा कटिंग करा के आ गए यार। अकेले अकेले जाके हमको तो पूछा भी नहीं इसने। यार पूछ लेता तो मैं भी जाके कटिंग करवा के आता। मैं वैसे थोड़ा तो जल्दी में था, कटिंग करवा लिया। ठीक है भाई, हमको लेकर दवाई, हमारा पॉट्स एकदम खराब से हो चुका है, एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारे पास हर चीज़ का दवाई है, एडिटिंग नहीं हो रहा तो इनको भी वीडियोस नहीं मिल पाता है। नहीं तो ये जो ढकेला जा रहा है ये और कुछ नहीं, हमारी पेट्रोल की टंकी धोखा देती है बार बार। धोखेबाज जुपिटर। गाना सुना ही नहीं? कौन सा गाना? मिलेगा हम बता देंगे। तो एक और एक बात, क्योंकि अपन अभी जो पॉट्स है ना वो भूल चुके हैं, जो अपने को देना था अपन भूल चुके हैं। मैं आया शॉप तक पहुंचा, उसके बाद याद आया कि अभी मैं तो पॉट्स लाया ही नहीं, वापस घर जा रहे थे तो ये गाड़ी बंद हो गई। अभी गाड़ी के पास मतलब पेट्रोल पंप के पास आ चुके और इसके अंदर इसको भी पिलाना बचा है। भाव बढ़ गया है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया। ओ भाई पेट्रोल, चलते हैं। हाँ है वो पॉट्स जिसको अपन लेकर जाने वाले हैं। हो गया, चलो देख लो। ठंडे में भी चिल्ड वाटर हमसे नहीं हो पाएगा। उम्मीदों के साथ आपके पास आए हो। मेन बॉस को दिखा यार, मेन बॉस है यहाँ पे। लाइट नहीं जलता, लाइट जलता कनेक्ट नहीं होता, कनेक्ट करो। तो भैया के पास आए थे बड़े उम्मीदों के साथ और भैया बोले करके जितना होगा आपको एक दो दिन के बाद बता देंगे। वैसे शॉप का नाम मोहित मोबाइल, मोहित मोबाइल रुआ बांधा में है। आए थे शॉप है भाई हमारी यहाँ की सबसे बेस्ट। वो जो पॉट्स है उसके में थोड़ा कलाकांडी होगा, वो लॉक हो चुका है तो क्या करें, एडिटिंग नहीं हो रहा था तो काम चलाने के लिए अभी किसी से पॉट्स मांगा गया है, उससे एडिटिंग होगा। बाकी ये बन जाए उसके आपके बाद अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये लौंडा लेकर आया अलविदा लेने का। मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जरूरी है आपको। और आपका पॉट शाम तक का बता दिया जाएगा कि क्या कैसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मिल जाएगा आपको। तकलीफ अपनी दुकान है भाई, खास है। किसी को भी चाहिए तो यहाँ पे कुछ मैसेज ऐसे जो भी नंबर वंबर पॉप अप हो रहा होगा ऐसे आ जाएगा। ये देखो ये नहीं सुधरेगा, ये कभी नहीं सुधरने वाला। ये देखो ये इससे ऊपर कभी गया ही नहीं और ये ब्लिंक ही करते रहता है। बाय बाय। तो अभी ये लड़का हो चुका है एकदम नहा वहा के खा पी के एकदम तंदुरुस्त। और बाल कैसे लग रहे कमेंट जरूर करना, अच्छे लगते हैं, ताकि आज लोग भी बोल रहे हैं कि आज बाल थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी ज़रा कमेंट करके बताइए कि बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। बाकी अभी टाइम हो रहा है कुछ 5 बजने वाला है और शायद अभी लास्ट काम है, या मुझे याद नहीं आ रहा कि अभी और कौन से काम बचा है, पर मेरे हिसाब से शायद लास्ट काम है अपना। वो अपन निकलेंगे अभी कुछ 6:30 या 7 बजे के आसपास निकलेंगे, बोर्ड से निकलेंगे, वहाँ से कपड़ा लेना है, वहाँ से बस वही चीज़ है, काम है। उसके बाद पता नहीं कुछ काम बचा भी है कि नहीं बचा, बाकी देख लेंगे ब्लॉग करते करते समझ में आएगा कि क्या काम बचा है क्या नहीं बचा है। और अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रहा हूँ एक नींद जब तक ले लिया जाए, क्योंकि अभी 2 घंटा बचा हुआ है, 2 घंटे में हम क्या करेंगे, तब तक सो लिया जाए। क्योंकि ऐसा हो रहा है अभी डेली व्लॉग्स करने के चक्कर में रात को हम लोग मैं बैठ के अकेले 2 से 1:30 बजे तक एडिटिंग करता हूँ, वो भी रात को, इसलिए क्योंकि साउंड नहीं आता, एक से आता है एक से नहीं आता है, तो बड़ा मुश्किल होता है वो एडिटिंग करने में भी। तो उसको तो आज दे दिया गया है, बाकी मैं सो लेता हूँ 2 घंटा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है चलो। 2 hours later तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजे और हम उठ चुके हैं अभी। अब चलो चाय बनाते हैं।
मुझे बहुत दर्द दे रहा दोस्तों, मेरा कमर कुछ हो चुकी है डॉक्टर। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप काम में ऐसे हो तो आप गलत हो। हमेशा जो हम ब्लॉगर्स लोग हैं ना अभी, तो उनको जब ऐसे काम मिलता है ना तो उनके लिए वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हर एक काम को क्रिएटिविटी में बदल देते हैं। जैसे अपन कोई काम करें तो उसको ऐसा मतलब जाना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मेरे को आज स्पॉट्स को छोड़ना था रिपेयर कर, तो मैं उसको क्या किया कि मैं पहले गोपाल के घर गया, फिर उसको लिया, फिर ये क्या होता है कि क्रिएटिविटी बन जाता है कि यहाँ हंसते खेलते वो काम हो जाता है। तो जो कुछ लोग हैं ना, जिन लोग ब्लॉग्स नहीं करते, तो उन लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपने दोस्त के घर गए, वहाँ से उठाए, फिर कुछ चीज़ कहीं पे गए, फिर वहाँ पे खाए पिए, फिर आ गए। तो मतलब ऐसा कुछ आप मसाला डाल के कुछ कर सकते हो। बोल रहा था करके कि जिन लोग ब्लॉगर्स नहीं हैं उन लोग काम में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपन तो दिखाते ही है। खैर, आपको ऐसे एंटरटेन करके, ऐसे आपको हंसा के, हमारे साथ ये हादसा होता है, कभी पेट्रोल नहीं होता, जैसे आपने आज देखा कि पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे हम लोग कुछ कुछ करते हैं, ये कोई प्लान नहीं आता, ये हो जाता है, बस ये हो जाता है। आप ऐसे मत करो कि अरे यार धूप है नहीं जा सकते, अब जाओ देखना कुछ ना कुछ होगा, पक्का होगा। तो इसको समाप्त करते हैं ये, और बोर से निकलते हैं। तो उससे पहले श्रद्धा दीदी को कॉल कर लेते हैं, उनसे भी आपको मिलाया जाएगा। अभी नहीं, वो आने के बाद आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उनसे भी कौन है वो। तो जो दीदी की मैं बात कर रहा था वो ये है, बहुत लोग जानते होंगे वैशाली से, जितने भी लोग हैं वो बहुत लोग जानते होंगे कि ये दीदी को, और दीदी कल पुणे आ रही है तो इनको बाय बोलने भी आ गए। तो इनके साथ ही अभी बोर से निकल रहे हैं, बाकी चलते हैं और कुछ नहीं, बाय। अभी नहीं, अभी मिलेंगे। संजना दीदी तो यहाँ पे चार्जर ले रही है, जिनको चार्जर नहीं मिल रहा है। बाय गाइस, हम लोग शॉपिंग करके आ गए। शॉपिंग का कुछ दिखाई नहीं, शॉपिंग करके आ गए। चलो फिर, अगर कल सुबह हुआ तो जरूर मिलेंगे, अगर नहीं हो पाए तो नहीं, कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। चलो बाय। तो अभी शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी घर आ चुके हैं, और घर आते आते थोड़ा टाइम हो चुका है। तो इसी के साथ आज अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी कुछ शॉर्ट्स नहीं दिखा पाया वो, क्योंकि होता है कभी दिक्कत हो जाता है। तो ये थोड़ा छोटा भी बना होगा या फिर बड़ा बना होगा, अभी एडिटिंग में पता चलेगा। तो ये चीज़ बोलना था कि आज का व्लॉग बस यहीं तक था, और आपको ज़रा सा भी व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।